हाँ तो आगे तुम लोग आना ही था, क्योंकि आज हम करेंगे बात एक और ऐसे बंदे के बारे में जिसने मजाक मजाक में इंडिया के एक और स्टेट का मजाक बना दिया है। जी हाँ, अपने पारस भैया की तरह। और ये स्टेट इस बार नॉर्थ ईस्ट का नहीं है बल्कि नॉर्थ वेस्ट का है। तो भाई एक यूट्यूबर है जिसका नाम है वीर और इसका यूट्यूब चैनल का नाम है बेरोजगार, और ये अपने चैनल पर सिर्फ रोस्ट वीडियो अपलोड करता है। अब जिनको ये लग रहा है कि ये मामला भी पबजी की वजह से उठा होगा, तो भाई रुको जरा, सबर चाटो, ये मामला पबजी की वजह से नहीं बल्कि बियर ग्रिल्स के ऊपर वीडियो बनाने की वजह से उठा है। इस बंदे ने हाल ही में एक वीडियो अपलोड की जिसमें ये बियर ग्रिल्स का मजाक बना रहा था। अब जो लोग बियर ग्रिल्स नहीं जानते तो भाई ये इमेज देखो और इनको पहचानो। अब तो तुम इनको पहचान ही लिए होगे, और पहचानो भी क्यों नहीं, इन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया जो है कि पानी ना मिले तो मूत कैसे पिया जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो भाई इस चूते ने इनके ऊपर एक वीडियो बनाई जिसमें ये इनका बहुत ही तजीब से मजाक बना रहा था, और चलो यहाँ तक ठीक था, हम इनका मजाक सह लेते हैं, पर इसने इनका मजाक बनाने के चक्कर में पूरे राजस्थान का ही मजाक बना दिया। ये देखो, अभी मैं देश के उस भाग में हूँ जहाँ पर मर्दों का सपना औरतें और औरतों का सपना पानी होता है। जी हाँ, राजस्थान ये दुनिया की सबसे खतरनाक और प्यासी जगहों में से एक है। आज मैं आपको बताऊंगा आप कैसे सर्वाइव कर सकते हैं राजस्थान के रेगिस्तान में और ढूंढ सकते हैं पीने योग्य पानी। सबसे पहले भाई, अगर तुम वीडियो बना रहे हो तो कम से कम अपने स्टेट के बारे में ऐसा घटिया जोक तो ना मारो। मतलब ये क्या होता है, अभी मैं देश उस बाग में हूँ जहाँ पर मर्दों का सपना औरतें और औरतों का सपना पानी होता है। ये भाई देश के ऐसे कोने में है जहाँ मर्दों का सपना औरत होती है, औरतों का सपना पानी होता है, और वो जगह इनके हिसाब से राजस्थान है। अरे चौथी पेल चूती है, तुम लोगों की वजह से आजकल लोगों का मेंटेलिटी चेंज होता है राजस्थान के प्रति। अब आई नो कि राजस्थान का एक छोटा हिस्सा रेगिस्तान है, लेकिन उसको भी देखने बाहर बाहर से लोग आते हैं। मतलब अपने कंट्री में ऐसी ऐसी जगह है जो दूसरी कंट्री में नहीं होती, तो इन सब चीजों को लेकर इज्जत करना सीखो। और ये राजस्थान से रिलेटेड वीडियो में पानी को लेकर जोक मारना जरूरी है क्या? नहीं, तो मादर चोद ऐसे जोक मारते ही क्यों हो? इस जगह की एक खास बात जो मैंने सुनी थी वो ये है कि लोग अगर पानी नहीं मिले तो दारू पी के भी जिंदा रह लेते हैं। अद्भुत भाई, क्या कंटेंट क्रिएटर है तू। और तूने सुना भी क्या है कि वहाँ के लोगों को अगर पानी नहीं मिलता है तो उनका काम दारू से चल जाता है। रुला दिया आपने, तालियां होनी चाहिए भाई इनके लिए। मगर क्यों? क्योंकि मैंने तो ऐसा झाट नहीं सुना। मतलब वहाँ के लोगों को तूने समझ क्या लिया है चूतिया? अरे भाई, रेसिज्म इज नॉट अ जोक, और जो किसी पर्टिकुलर आदमी या फिर किसी टॉपिक पे अच्छा लगता है देश या प्रदेश के ऊपर नहीं। और ये जो मेंटेलिटी है ना तुम लोग राजस्थान के प्रति, इसको बदलो, क्योंकि राजस्थान में ऐसी ऐसी जगह है जो दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। सो प्लीज रिस्पेक्ट देम। एंड इन भाई साहब की वीडियो यहाँ पे खत्म नहीं होती, अभी तो इन्होंने और बोला है जो मैं तुमको दिखाऊंगा। ये देखो, अब देखिए राजस्थान में बहुत सारे लोगों की सिचुएशन ऐसी खराब हो जाती है और लोग सोचते हैं कि इंसान मर गया और उसको जला भी देते हैं। अच्छा, क्योंकि तेरे हिसाब से राजस्थान के लोग चूतिया है ना? नहीं भाई, इसने वीडियो बनाया है बेयर ग्रिल्स के ऊपर और हर जगह बस राजस्थानियों के ऊपर जोक मारे जा रहा है। चला इस चीज को देखकर इसको लोग भी कहेंगे इसको सजा मिलनी चाहिए सुखी। देखिए, राजस्थानियों को जिंदा करने का एकमात्र रास्ता है हावड़ा बीड़ी। ये बंदा लाइक, अगर राजस्थानियों को होश में लाना है तो उनको बीड़ी पिलाओ, क्योंकि वहाँ के लोग पानी से ज्यादा बीड़ी पीते हैं। अबे चाचा चौधरी के चौथे चौदे, तेरा दिमाग गांड में है या घुटने में? और जो तूने बोला ना वो तेरे हिसाब से होता होगा, क्योंकि तू चूतिया है, देश की जनता नहीं। अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत। अब भाई इस चीज से ट्रिगर होकर एक बंदे ने इसके कमेंट में लिखा कि सारे वीडियो ठीक होते हैं, बट वीडियो बनाने के चक्कर में राजस्थान और राजस्थानियों को डिफेम किया है। भाई पूरे राजस्थान में पानी और खाने की कमी है क्या? बहुत ही घटिया वीडियो। आई पर्सनली डोंट लाइक एट ऑल एंड डोंट ट्राई अगेन टू डिफेम राजस्थान। आई गेस कि ये राजस्थानी है और इसको बुरा लगा है। तो भाई इसकी इस कमेंट को इस यूट्यूबर ने पिन कर दिया और इसकी रिप्लाई देते हुए कहा, ब्रो मजाक था, अगर थोड़ी सी अकल लगाते तो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बहुत ही बड़ा तालाब दिखाया था, बाकी मैं वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, सॉरी। अच्छा ये सही है भाई, एक छोटा सा तालाब दिखा के पूरे राजस्थान का पानी के लिए मजाक बना दो और फिर कहो मैंने तालाब दिखाया था ना। अगर तुम पारस को जानते हो तो उसने भी ऐसे ही कुछ कहा था अरुणाचल प्रदेश के बारे में, और रिजल्ट उसको घर से उठा लिया गया था। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको भी घर से उठाओ, पर एक वीडियो बनाकर सॉरी तो बोलना ही चाहिए था ना। प्यास तो लगी है दोस्तों, और पानी भी पीना पड़ेगा, आपको भी पता है। ऐसा करता बिस्लेरी से पी लेता हूं ना, क्या जरूरत। भाई मास्क तो हटा ले पानी पीने से पहले, ये वीडियो के नाम पे हर दो सेकंड में क्रिंज फैलाना जरूरी है क्या? नहीं नहीं, तो मादरचोद फैलाती क्यों हो? तुम्हारे ये वीडियो को देख के बेयर ग्रिल्स भी तुमको कहेगा यही पटक के चोद देंगे। चल निकल मादरचोद। अब तलाश है खाने की, जिंदा रहने के लिए पानी के अलावा एक चीज की जरूरत होती है, वो है खाना। तो राजस्थान में खाना
यहाँ पे वैसे भी भुखमरी है लेकिन खाना मिल जाएगा। हाँ राजस्थान में लोग तो भूखे ही रहते हैं ना। लाइक ब्यूटीफुल स्टेट को भुखमरी वाला स्टेट बना के ये अपने आप को कूल डूड समझ रहा है। अरे लौड़े का कूल डूड, इसको कूल डूड नहीं बल्कि लौड़े का यूट्यूबर है कहा जाता है। अब तुम इसी कमेंट का देख लो, पहले राजस्थान के प्रति लोगों का वही दृष्टिकोण है जो आपने अपने वीडियो में दिखाया, जबकि ये एकदम गलत है। राजस्थान में बहुत ही विविधता है, यहाँ ऊंचे पहाड़ है, नदियां भी है और समतल मैदान भी है और रेगिस्तान भी है। लेकिन भारत का कोई भी नागरिक जब राजस्थान के बारे में सोचता है तो उसके दिमाग में एक ही बात आती है कि राजस्थान मतलब रेगिस्तान। और इसी मेंटालिटी को आपने अपनी वीडियो में दिखाकर आप ठप्पा लगा रहे हैं कि राजस्थान मतलब रेगिस्तान। दूसरी बात, आपने जो कहा राजस्थानियों को पानी से ज्यादा बीड़ी की जरूरत है, आप ही बताओ आपका स्टेटमेंट कहां तक सही है। कॉमेडी के नाम पर क्या बोलना है, एक बार आपको भी अपनी वीडियो में देख लेना चाहिए। और आशा करता हूं कि ये आलोचनात्मक टिप्पणी आपको समझ में आई होगी। देखो भाई समझ में आई नहीं होगी, समझना चाहिए ताकि आगे से लोग किसी स्टेट को लेकर अपनी वीडियो में मजाक ना करें। और जरूरी नहीं है कि जब किसी एमएलए को गलत बोला जाए तभी तुम एक्शन लो। यहां के लोग ऐसे हैं कि अगर किसी पॉलिटिशियन को कोई भला बुरा बोल जाता है तो लोग फट से बुरा मान जाते हैं, पर इस चीज पे इनको फर्क झांट नहीं पड़ता। तो भाई हमारा देश या स्टेट कैसा भी हो, चाहे वो गरीब हो या ना हो, हम वहाँ पैदा हुए हैं और हमारा काम है अपने स्टेट का नाम ऊंचा करना और उन मुद्दों पे बात करना जिसकी वजह से हमारा देश या स्टेट पीछे रह गया है। पर तुम इन लोगों देख लो, इन जैसे लोग एक छोटी सी झांट पर की वीडियो के लिए ऐसे ऐसे जोक मारते हैं जो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। सो प्लीज चेंज द मेंटालिटी अबाउट राजस्थान। बाकी अगर तुमको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में मुझे बताओ कि वीडियो का बेस्ट पार्ट कौन सा था। बाकी मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो की मजदूरी में। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बाय।